आज हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसने ये साबित कर दिया कि कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये आंदोलन एक जरूरी पैगाम लेकर आया था जो हमारे नेचर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की क्रिटिकल नीड को समझने के लिए प्रेरणा देता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं जो भारत की प्रकृति प्रेम को समर्पित था और जिसके प्रति भारत ने अपना प्यार और समर्पण दिखाया। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिपको आंदोलन क्या था, कब और कहां शुरू हुआ था, ये कौन सी समस्याओं के बारे में बता रहा था, कौन थे इसके मेन एक्टिविस्ट और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की प्रकृति प्रेम की कहानी, चिपको आंदोलन की कहानी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि चिपको मूवमेंट असल में था क्या। 1970 के दशक में उत्तराखंड के हिमालय रीजन में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने सरकारी नीतियों और बड़े पैमाने पर की जा रही वनों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले लोग पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाते थे। इस आंदोलन की शुरुआत और संचार महिलाओं ने की थी, जिन्होंने पेड़ों के ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए लड़ाई की थी। इन पेड़ों को कमर्शियल यूज के लिए काटा जा रहा था, पर इसे काटने से हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अब देखते हैं कब और कहां शुरू हुआ था ये आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत की सही तारीख विवादित है, लेकिन सबका मानना है कि पहली बड़ी घटना मार्च 1970 में गढ़वाल के मंडाल गांव में हुई थी। यहां गांव की नेता गौरा देवी की लीडरशिप में महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को कटने से रोका था। स्थायी लोगों का दावा था कि सरकार का उपयोग के लिए कुछ पेड़ों की जरूरत है, लेकिन सरकार ने एक खेल सामग्री बनाने वाले उद्योग को ज्यादा पेड़ों की अनुमति दे दी है। उनकी प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजी सिंपल थी लेकिन पावरफुल थी। उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया, जिससे पेड़ कटना नामुमकिन था। चिपको आंदोलन कौन सी समस्याओं को एड्रेस कर रहा था? अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन से हिमालय में सॉइल एरोजन, फ्लड और लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे थे। इस मूवमेंट ने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ट्रीज की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। इसके बाद है लॉस ऑफ लाइवलीहुड। जंगलों में विलेजर्स को फायरवुड, जानवरों के लिए चारा और कई जरूरी चीजें दी हैं। पेड़ कटने से उनका लाइवलीहुड खतरे में पड़ गया है। लास्ट में है बायोडाइवर्सिटी लॉस। पेड़ कटने से हिमालय की रिच बायोडाइवर्सिटी खतरे में थी। इस आंदोलन का एम अलग अलग फ्लोरा और फौना के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना था। चिपको मूवमेंट के मेन एक्टिविस्ट कौन थे? चिपको मूवमेंट में वैसे तो सभी गाँव वालों ने पार्ट लिया था, पर कुछ लोग लीडर्स बन के सामने आए थे। गौरा देवी, इनके बारे में जैसे हमने पहले भी बताया, ये मंडाल गांव से थी जिन्होंने फर्स्ट मेजर चिपको प्रोटेस्ट किया था। फिर थे चांदी प्रसाद भट्ट, ये गांधीयन थे। इन्होंने विलेजर्स को एकजुट करने में और अवेयरनेस फैलाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। सुंदरलाल बहुगुणा एक और इम्पोर्टेंट लीडर थे। इन्होंने कई भूख हड़ताल की और चिपको आइडियोलॉजी को तैयार करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और विमला बहुगुणा, ये कार्यकर्ता और सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है। इन्होंने आंदोलन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। चिपको आंदोलन की मेथड क्या है? चिपको मूवमेंट अपने नॉन वायलेंट मेथड के लिए जाना जाता था। विलेजर्स बड़े ही अनोखे ढंग से पेड़ों को कटने से रोकते थे। इस मेथड में कुछ स्टेप थे। स्टेप वन, चिपको। जैसा नाम से पता चल रहा है, विलेजर्स पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लग जाते थे। ये एक्ट उनके नेचर से डीप कनेक्शन का सिंबल था। स्टेप टू, घेरो। विलेजर्स वुड कटर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को घेर लेते थे और उन्हें अपना काम करने से रोकते थे। स्टेप थ्री, धरना। गांव के लोग डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते थे। स्टेप फोर, अनशन। कुछ लीडर्स भूख हड़ताल करते थे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़े और उनका ध्यान इस प्रॉब्लम पे आए। चिपको मूवमेंट से हुआ क्या? चिपको मूवमेंट को सिग्निफिकेंट सक्सेस मिली। इस आंदोलन की वजह से 1980 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हिमालयस में डिफॉरेस्टेशन टेम्परेरीली बैन कर दी। इसके साथ साथ इससे इन्वायरमेंट इश्यूज सबके सामने आए। इससे जंगलों की इम्पोर्टेंस और पेड़ों की कटाई के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई। इसने भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज को सख्त करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स किया। चिपको मूवमेंट इस सबके साथ दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना। दुनिया भर में लोगों ने ऐसी मूवमेंट्स की और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया। चिपको मूवमेंट की लेगेसी। चिपको मूवमेंट ने गांव में महिलाओं को एम्पावर किया, जिससे उन्हें एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग में आवाज मिली और साथ में उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत को भी हाईलाइट किया। तो दोस्तों, ये थी चिपको आंदोलन की कहानी, एक ऐसा आंदोलन जो आज भी हमें सिखाता है कि प्रकृति से प्यार और उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है।